हेलो क्या हुआ है? कैसे कैसे? हेलो दोस्तों, प्रणाम नमस्कार। आप सभी को मैं अपने कविता थारू ब्लॉग पे आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने मायके के घर से, क्योंकि मैं कल रात को अपने मायके के घर आई हूँ। तो यहीं से मैं ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं तो रात को आई हूँ इसलिए घर से ही ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। और सोची कि चलिए कल ब्लॉग शूट करते हैं। अभी नहान धोन हो गया है, खाना वगैरह अभी नहीं खाए हैं, जा रहे हैं खाने। देखिए क्या क्या मेरी छोटी भाभी बनाई है, तो अभी जा रहे हैं। अंकित कुमार खा के तो सो गया, और मेरे पति देव जो है तो खाना खा कर वो चले भी गए घर। शाम को आएंगे फिर लेने। तो मैं ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, और देखिए खाना पे क्या क्या बना है। तो फिर चलते हैं खाना खाने। और इधर देखिए अंकित कुमार, इधर देखिए सोया हुआ है। कैसे कैसे आकर सोया है ये देखिए। इसको कुछ तकलीफ है, दरअसल मैं कल इसको सुई लगा है 5 साल वाला, तो वहीं थोड़ा सा बुखार आ गया है, और जो है तो कुल्हा में लगा है तो दर्द कर रहा है, तो लंगड़ा भी रहा है। अभी रो रहा था, अभी इसको बहला फुसला कर सुलाए हुए हैं। तो जा रहे हैं अब हम भी खाना खाने। ये तो सो गया है और वो तो चले गए। तो फिर चलिए खाना में क्या क्या मेरी भाभी बनाई हुई है, चलते हैं खाने। मोती से ना हीरो से ना जेवर से, देखिए खाना परोसा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। कृपा है मेरी भतीजी और भाभी और मैं, तीन व्यक्ति हम लोग रह गए हैं खाना खाने के लिए। मेरी भाभी लग रहा है मीठ केस में ही घुस जाएगी। चलिए कृपो फटाफट खाने चलिए। ये देखिए ये टेबल भी लग गया, पानी वगैरह सब लग गया। ये देखिए टेबल में क्या रखा है, सब्जी सब रखा दी है लोग। जी क्या कर रही है, खाली मोबाइल देखती है। 2 बजे से जाएगी कोचिंग करने। देखिए मेरी छोटी भतीजी है, चलो हाय बोल दो। छोटी है छोटी भतीजी, और भाभी का रूम है छोटी भाभी का। तो अभी देखिए मेरा खाना परोसा गया है। ये देखिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये देखिए ये है मुर्गा का मीट है, देहाती मुर्गा का मीट है, और ये मुर्गा का अंडा है। और उन लोग क्या क्या खा रहे हैं, उन लोग मछली खा रहे हैं, हम मछली नहीं ले रहे हैं, मछली हम नहीं खाएंगे। ये देखिए अभी पपड़ी खाने का बाकी है, पपड़िए नहीं मिला है हम लोग को, पपड़ी भी आ गया। तो अभी देखिए हम लोग खाना वगैरह सब खा लिए हैं, खाना बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब जा रहे हैं थोड़ा, चलो कृपू अब थोड़ा जा रहे हैं पड़ोस वाले घर में। परचून का दुकान खुला हुआ है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। यही है उसी झपड़ी में है, तो फिर चलते हैं। अरे कृपया जा खुटर का। अभी देखिए दोस्तों हम दुकान पे पहुंचने वाले हैं, और दुकानदार भैया देखिए क्या कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। देखिए ये देखिए, चली हाय बाय बोल दी। ये देखिए ये बड़की माई के लड़का हलन, दुकान खोलने बड़ा आयल बंजा परचून के दुकान में। चली सामान उमान दिखाई। कई महीना हो गल भैया दुकान खोले रहिए? साल भर हो गई। साल भर हम कोई 2-3 महीना हो गया, साल भर हो गए दुकान खोले। तब तो पैसा छाप ले लो हम बहुत ज्यादा, साल भर 1 महीना कब खरदक होई रहो लोग के त आ जाई इनके दुकानिया में फ्रीओ दे देला। बोल का दिखाई, का दिखाई? देख चप्पल, चप्पल दिखाई। हां मारम का हमरे के चप्पल दिखाई। हां आई देख पेस्ट पेस्ट। हां रो लोग ने ना देख लो हम जा चप्पल देख ली जा पेस्ट देख ली जा और कथि कथि बा डॉक्टर कह कहल बनी दोतन कह कहल बनी जा। आई देख ते ओ ते सब सामान बा सब देख ले बारो। हां और बोल ये चिकन और पता और हम चिकन जो होता। चलिए ये देखिए बहुत अच्छा दुकान है, अभी छोटा से ही बड़ा होगा, अभी फिलहाल छोटा है। देखिए चप्पल वगैरह सब रखे हैं, थोड़ा थोड़ा सब ए टू जेड सामान रखे हैं। बाप रे बाप से हमारी कृपा बेटी, हमारी बेटी है। हम लोग बहुत लफड़ा करते हैं बकरी के बारे में। बोलती है नहीं चलाइएगा, हम चलाएंगे। कैसे बोलती है नाकक भोले, कैसे बोलती है? बकरिया घुमा चंगा खाली हम चंगाएंगी।
तो फाइनली दोस्तों ये देखिए रात हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आए हैं लेने, इस वक्त शाम को आए हैं लेने, तो हम लोग जा रहे हैं घर। ओके अंकित कुमार, कहाँ जा रहे हैं अब हम लोग यहाँ से? मामा जी घर से घर घर जा रहे हैं। तो कौन आया है लेने हम लोग को? पापा। तुम्हारे पापा जी आए हैं लेने? तो इसके पापा जी आए हुए हैं लेने और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर। अंधेरा भी हो गया है तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।